और अब जिक्र लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद का, जो अब से कुछ देर पहले इंतकाल कर चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेजेंडरी क्रिकेटर चंद साल से कैंसर में मुब्तला थे और कराची के आगा खान अस्पताल के आईसीयू में जेरे इलाज थे। लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद का अब से कुछ देर पहले इंतकाल हो गया। लेजेंडरी क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद का कराची में इंतकाल हुआ था। जानेंगे वाजिद रजा अस्पहानी से, वाजिद बताएगा उनके इंतकाल की खबर की क्या तस्दीक हो चुकी है। जी मरियम, मैं क्रिकेट के चाहने वालों और हनीफ मोहम्मद के फैंस के लिए एक बहुत बुरी खबर है कि अब से ठीक एक घंटे पहले लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद का इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 81 बरस 234 दिन थी। वो गुज़िश्ता 2 साल से फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला थे और 31 जुलाई को उनकी तबीयत जब शदीद ख़राब हुई तो उनको आगा खान अस्पताल में यहाँ पर इलाज के लिए लाया गया। वो उनकी गुज़िश्ता दिनों तबीयत मज़ीद बिगड़ी तो इनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया गया और उसके बाद आज सुबह इनको 12 बजे करीब ये अफवाह उड़ी कि हनीफ मोहम्मद शायद इंतकाल कर गए हैं, लेकिन कुछ देर के लिए उनकी सांस रुकी थी जिसके बाद ये खबर जारी कर दी गई। लेकिन उसके बाद शुएब मोहम्मद ने इसकी तरदीद की कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब से कुछ देर पहले 5 बजे के करीब शुएब मोहम्मद ने बाहर आके ये बताया कि उनके वालिद अजीम क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद अब दुनिया में नहीं रहे। हनीफ मोहम्मद का शुमार पाकिस्तान के तारीख के अजीम बैट्समैनों में होता था। वो पाकिस्तान के पहले टेस्ट ओपनर भी थे और 1952 में जो पाकिस्तान ने भारत का दौरा किया उस अवलिन टेस्ट में भी हनीफ मोहम्मद शामिल थे। उन्हें पाकिस्तान की जानिब से पहली बार टेस्ट सेंचुरी और पहली बार एक टेस्ट की दोनों इनिंग्स में सेंचुरी बनाने का एजाज हासिल था। उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सबसे बड़ा 499 रन का स्कोर उनके पास कई अरसे तक आलमी रिकॉर्ड रहा, जिसको बाद में ब्रायन लारा ने तोड़ा। अब हमारी शुएब मोहम्मद से बात हुई है तो उन्होंने बताया कि इनकी तस्वीर कल बाद नमाज जुम्मा नमाज जनाजा इनकी अदा की जाएगी। पुरानी सब्जी मंडी में अल हिलाल सोसाइटी के करीब उनकी नुमानी मस्जिद के करीब नमाज जनाजा अदा की जाएगी, जिसके बाद अभी तक उन्होंने तस्दीक नहीं की है कि उनकी तदफीन कहाँ होगी, लेकिन इम्कान यही है। ज़रा ये बता रहे हैं कि तारिक रोड में रवानिया मस्जिद के करीब जो कब्रिस्तान है वहाँ पर उनकी तदफीन की जाएगी। जी अच्छा, वाजिद ये बताएगा क्या उनके दस्ते खाकी को आगा खान अस्पताल से मुंतकिल किया जा चुका है? नहीं, अभी हनीफ मोहम्मद के जस्ते खाकी को आगा खान अस्पताल से मुंतकिल नहीं किया गया है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही ये इंतकाल उनका हुआ था और उसकी तस्दीक हुई थी। ज़ाहिर है आगा खान में अब ज़ाहिर है बड़ा हॉस्पिटल है तो उसके बाद कुछ देर लगती है शिफ्टिंग में और बॉडी को शिफ्ट करने में और तमाम अमल में। उसके बाद अभी उनके भाई सादिक मोहम्मद आ गए हैं और यहाँ पर ताज़ियती सिलसिले के लिए बहुत सारे लोगों का आना शुरू हो गया है। मुर्तज़ा वहाब अभी मशहूर कानून सिंध जो है वो यहाँ पे आए और कुछ साबिक टेस्ट क्रिकेटर साजिद खान, अजीम हफीज़ और बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो आके यहाँ पे शुएब मोहम्मद और उनके भाई सादिक मोहम्मद और शुएब मोहम्मद के साहबजादे हनीफ मोहम्मद के पोते शहजूर मोहम्मद से ताज़ियत कर रहे हैं। जी ठीक है, वाजिद रजा आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।